चुप हो जाओ, आंखें नीचे कर लो। तुम लोग अगर गुर्बत की वजह से परेशान हो तो इस पत्थर को अपने पेट पर बांध लो। ये सारा माल किसी बादशाह के तोहफे नहीं बल्कि शाम के तुजार की ज़कात है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सरवत में तीन शरीक हैं? पहला शरीक तुम्हारा मुकद्दर है, जो इजाजत के बगैर तुम्हारी सरवत को नाबूद करता है। दूसरा शरीक तुम्हारे वारिस हैं, जो तुम्हारी मौत के मुंतजिर हैं। तीसरा शरीक तुम खुद हो। हां, तुम समझे, कारे खैर करते रहो। जान लो कि हर दिन दो फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं, एक राह खुदा में खर्च करने वाले के हक में दुआ करता है कि खुदाया इसे अजर अता कर, और दूसरा फरिश्ता लानत भेजता है कि इसने मालो सर्वत जमा किया है, इसको नाबूद फरमा। और तुम लोग सुनो, ऐ फाखा कश लोगो, हैरत करो उस पर जो फख्र व फाखे से डर कर खाना नशीन हो, और अपना हक हासिल करने के लिए तलवार पर मुसल्लत न हो। क्या फजूल बकवास है, दीवाने! या फई, क्या बकवास है! क्या फई की गनीमत मुसलमानों ने लड़कर हासिल की? नहीं, तो ये माल भी खुदा का माल है, मुसलमानों का नहीं। खुदा बेनियाज है, जो कुछ है इन बंदगा ने खुदा का है। तो हम खुदा के बंदे नहीं? क्यों नहीं हो, तुम भी खुदा के बंदे हो, लेकिन तुमने खुदा को भुला दिया है। जरूरत से ज्यादा तुम्हारे लिए लिबास का अंबार है। तुम्हारे लिए कितने किस्म के लजीज खाने बनते हैं। मुआविया, तुम्हें दो लिबास और पेट भर के खाने से ज्यादा क्या चाहिए? अम्वाले गनीमत खलीफा और उनके मुतवलियों के पास क्या कर रहा है? अपनी जाती सरवत की तरक्की, इस भूखी उम्मत की खुशहाली या आबादी के लिए खर्च हो रहा है? बैठ जाओ, इस मुरझाए हुए चेहरे को देखो। और देखो इस चरबदार को। ये फर्क जो तुम देख रहे हो, कहां जिक्र हुआ है शरीयत मोहम्मदी में? साबित करो, जिसने भी हराम जमा किया है उसकी हलक से निकलवाऊंगा। बात इंसाफ की है, इसराफ की बात है। तुमने दीन मोहम्मद के जौहर को नहीं जाना, खुदा को सिर्फ हराम और हलाल की हद तक जानते हो। मैं किस तरह साबित करूं जब उस मुजरिम ने तुम्हारी इख्तिदा की है?
मैंने तुम्हारे और तुम्हारे गासिबीन की निशानदेही कर दी है। तुम लोग डरना नहीं, और जान लो कि मर्द की ताकत उसके दिल में होती है, ना उसके लिबास में। और तलवार की धार तलवार में होती है, उसके नियाम में नहीं। तुमने इन लोगों का माल गस्प किया है। मैं नहीं, हरगिज नहीं, कसम खुदा की अमीर, हरगिज नहीं। मैंने बड़ी मेहनत मुशक्कत से तिजारत की है अमीर, अपने माल का ज़कात भी पाबंदी से देता रहा हूँ। बारहा डाकुओं ने मुझे अपनी जद में लिया है, कई बार लूटा भी है। कसम है अल्लाह की, एक जर्रा भी मेरे जिम्मे किसी का बाकी नहीं है। लो अब ये तलवार है और तुम हो। खलीफा पर तोहमत लगाने के जुर्म में उसकी गर्दन उड़ा दो। नहीं अमीर, मैंने अपने हाथों से अब तक किसी का खून नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए। झूठ बोलता है, मुजरिम तू खुद है। दोमान जी अमीर, उड़ा दो इसकी गर्दन। इताअत इताअत करता हूँ अमीर। ना, 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 ना,